नमस्कार। 18 अगस्त 1945 ये वो दिन था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन में काल बनकर आया था। सुभाष चंद्र बोस बड़े ही रहस्यमय व्यक्ति थे। एक बार जब 1940 में सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता में हाउस अरेस्ट किया गया था, तब वो बड़े ही रहस्यमय तरीके से इस हाउस अरेस्ट से भाग गए। इसके बाद वो 1941 में जब जर्मनी में दिखे तो उनके रहस्यमय व्यक्तित्व का भाव प्रकाश हुआ। ऐसे रहस्यमय व्यक्ति का मृत्यु भी एक रहस्यमय तरीके से हुआ था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी का जीवन का अंत भी एक रहस्यमय तरीके से हुआ और उनकी मृत्यु रहस्य बनकर रह गया। जिन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी जान को अपने हथेली में रखकर अंग्रेजों से लड़ते रहे, कुछ राज हमेशा राज बन के रह जाता है, इसीलिए शायद उसे राज कहा जाता है। वैसे ही नेताजी का मृत्यु भी एक राज बन के रह गया और इस राज से पर्दा उठना अब नामुमकिन है। माना जाता है 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपेई में उड़ान भरते समय एक जापानी विमान दुर्घटना के कारण नेताजी 3rd degree बर्न के शिकार बन गए और उनकी मृत्यु हो गया। पर उनकी मृत्यु होने की तस्वीर या सबूत आज तक नहीं मिले, ना ही आधिकारिक रूप से कोई मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी किया गया। इसी कारण नेताजी की मौत को लेकर रहस्य आज भी बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है विमान दुर्घटना में नेताजी का मृत्यु हुआ ही नहीं था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वो देश के आजाद होने तक रहस्यमय तरीके से अपने जीवन को बिताते रहे। किसी भी प्रमाण और सबूत ना मिलने के कारण नेताजी की मृत्यु आज भी एक अनसुलझी रहस्य बन के रह गया। और इसी सब कारणों के कारण भारतीय राष्ट्रीय सेना INA ने भी यह मानने से इनकार कर दिया कि नेताजी की मृत्यु हुई है। नेताजी की मौत को लेकर जो कारण और परिस्थिति बताया गया है, INA ने अर्थात भारतीय राष्ट्रीय सेना ने यह मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया और साथ में बताया कि नेताजी की मृत्यु बस एक साजिश है। जिनकी जीवन आजीवन एक रहस्य बना हुआ था, उनकी मृत्यु भी एक रहस्य बनकर रह गया। इस रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने नेताजी की मृत्यु की जांच के लिए 3 बार आयोग गठन किया। इनमें से 2 ने बताया विमान दुर्घटना के कारण ही नेताजी का मृत्यु हुआ था, पर तीसरे ने बताया बोस ने अपनी नकली मौत की साजिश रची थी और इसी तरीके से ये नतीजा भी एक रहस्य बनकर रह गया जो अनसुलझा गुत्थी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किस तरीके से हुआ है, ये आज भी हमारे सामने स्पष्ट रूप से नहीं आया। उनकी मृत्यु रहस्यमय तरीके से रहस्य बनकर हम लोगों के बीच में रह गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे, स्वतंत्र सेनानी थे। वो एक ऐसे भारतीय राष्ट्रवादी थे जिनकी भारत के प्रति देशभक्ति ने कई भारतीयों को दिल में छाप छोड़ के गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की विचारों से प्रभावित होकर उसी विचारधारा में खुद को ढालने लगे। इसके बाद वो भारतीय सिविल सेना की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। इसके बाद 1920 में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किए, पर अप्रैल 1921 में भारत में राष्ट्रवादी उथल पुथल के कारण वो अपनी पद से इस्तीफा देकर देश प्रेम के लिए भारत वापस आ गए। भारत आते ही वो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। इसके बाद वो एक युवा शिक्षक और बंगाल कांग्रेस स्वयं सेवकों के
कमांडेंट बने। साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज अकबर की शुरुआत भी किया। इसके बाद 1925 में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध होने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें मांडले कारागार में भेज दिया गया। लंबे 2 साल जेल में बिताने के बाद 1927 को जेल से रिहा होने के बाद वो 1930 के दशक में वो यूरोप की यात्रा शुरू किए। समय के साथ साथ 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष होने के बाद राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। यह नीति गांधीवादी विचारधारा के अनुकूल नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को आजाद करवाने के लिए, अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए आंदोलन करते रहे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस 29 मई 1942 को हिटलर से मिलने चले गए। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, ब्रिटिश सत्ता को भारत से भगाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मदद मांगी और साथ साथ जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजाद हिंद फौज गठन के साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद का नारा दिया, जो आगे चल के भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। अंग्रेजों से लड़ने के लिए और देश को आजाद करवाने के लिए उन्होंने देशवासियों से बोला, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे के साथ साथ 1944 को आजाद हिंद फौज के नेतृत्व करते हुए सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के ऊपर भयावह आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण करके कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करवा लेते हैं। आजाद हिंद फौज के नेतृत्व करते हुए सुभाष चंद्र बोस कोहिमा में ये युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ते रहे। इस भयावह युद्ध में अंततः आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। सैन्य और साधनों की कमी के कारण सुभाष चंद्र बोस ये युद्ध हार जाते हैं। इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस आजीवन अंग्रेजों से लड़ते गए और अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए लाख उपाय और लाख कोशिशें करते रहे। इसी कोशिश में 18 अगस्त 1945 में रहस्यमय तरीके से वो खो जाते हैं। कोई बताता है इस दिन विमान दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हुई थी और कोई बताते हैं ये बस एक झूठ है। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ना कहीं पर देखा गया और ना ही उनकी शव या मृत्यु का तस्वीर कहीं से मिला। ये बस एक रहस्य बनकर लोगों के बीच में रह गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।